गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का जो चैप्टर है रासायनिक जो विज्ञान है उसके जो मूल अवधारणा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो रासायनिक संयोग के नियम थे वो लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रखे थे। इसके मैंने आपको बताए थे पांच नियम है उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि किस टाइप से केमिकल जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे संपन्न होता है। तो इसके हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थिर अनुपात का नियम, उसके बाद में गुणित अनुपात का नियम, उसके बाद तुल्य अनुपात का नियम। इस प्रकार से हम लोगों ने ये नियम हम लोग के पढ़े थे कि किस टाइप से उनका जो है वो अनुपात होता है, स्थिर अनुपात में होता है मोस्टली, का क्या क्या स्थिर अनुपात में बताया, जब दो गैसें आपस में करती है, दो गैसें तीसरी से करती है तब भी। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो अपना नियम होता है वो अपना स्टार्ट होता है गैलोसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये नियम जो था ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए दिया गया था जो रिएक्शंस क्या है गैसीय है, मतलब जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है स्पेशली ये नियम उनके लिए है, बाकी के लिए लागू नहीं होता है। तो गैलोसेक का जो नियम है वो स्पेशली गैसेस के लिए लागू होता है। तो गैलोसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है, ये नियम 1808 में गैलोसेक के द्वारा दिया गया था। गैलोसेक का ही नियम था तो उसमें ही देगा, तो 1808 में गैलोसेक ने ये नियम दिया था। इस नियम के अनुसार होता क्या है, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं समान ताप और दाब पर, जब गैसें आपस में अभिक्रिया या संयोग करती है, मतलब दो गैसें आपस में जब रिएक्शन करती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। तो उनका जो आयतन हम लोग लेते हैं वो आयतन सरल अनुपात में होता है, मीन्स हम लोग 1:1, 1:2 इस टाइप से हम लोग उनका आयतन लेते हैं। और यदि उत्पाद भी गैस हो, यानी कि उन दोनों रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है अगर वो भी गैस हमें मिल रहा है तो उनका उत्पाद भी गैस हो तो उसका आयतन भी, यानी कि जो उत्पाद जो गैस बना है उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। यानी कि जो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन कर रहे हैं उनका और उस जो प्रोडक्ट का आयतन होगा वो क्या होगा अपना क्या बनेगा अनुपात में सरल अनुपात में बनेगा। अब तुम लोग को एग्जांपल से समझ आएगा, देखिए एग्जांपल लेके फिर से हम नियम पे चलेंगे। एग्जाम्पल मान लो हमारे H2 गैस है और Cl2 गैस है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, इससे ये रिएक्शन हुई और ये बना 2HCl, ठीक है ना, क्या बना 2HCl और ये भी क्या बना अपना गैस, ओके, ये H2+Cl2 और इससे 2HCl भी क्या बना है गैस बना है क्या। देखिए अगर इसका क्या ले रहे हैं हम लोग 1 मोल, तो देखो 1 मोल में तो उसका आयतन ले नहीं सकते, तो हम लोग इसके क्या लेते हैं 100 मोल, 100 ml लिया इसका आयतन, ठीक है 1 ml तो लेंगे इसका आयतन, 1 ml तो बहुत ही छोटा होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं 100 ml इसका आयतन लेते हैं। अब देखिए एक है और एक ये है, तो 100 ml क्या चाहिए हमें, इसके चाहिए, उससे क्या देखो एक और एक से क्या बने हैं दो बने ना, तो उससे क्या होता है 200 ml हमारा क्या बनता है HCl। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे 100:200 तो क्या निकलेगा 1:1:2, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस बन रहा है, इसलिए जो रिएक्टेंट के जो है उनका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का एक क्या मिलेगा हमें सरल अनुपात मिलेगा। फिर से देखिए क्या है कि समान ताप पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है, ये गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, तो इनके जो आयतन है वो क्या है सरल अनुपात में। मैं जरूरी नहीं कह रही कि ये भी एक है ये भी एक है, हो सकता है हम लोग दूसरे एग्जांपल्स पढ़े उसमें इनके भी आयतन 1:2 में होंगे, लेकिन होंगे सरल अनुपात में, ठीक है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। और यदि उत्पाद भी गैस बन रहा है, अगर प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है तो उसका भी आयतन क्या होगा क्रियाकारी जो गैस है उनके आयतन के सरल अनुपात में होता है, यानी कि इसके ही सरल अनुपात में होगा। फिर से आप लोग सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हो, उस एग्जांपल के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि मान लो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है, अभी तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्शन कर रही थी,
अभी मान लो सपोज करो हमारी हाइड्रोजन और O2 गैस रिएक्शन, तो आपको पता है हाइड्रोजन O2 गैस रिएक्शन करके क्या बनाएगी, H2O। और सपोज करो ये सारे ही क्या है, गैसीयस है, सारे क्या है गैसीय फॉर्म में हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे H2, यहाँ पे O2, यहाँ पे 2H2, कितना है देखो इसका हम लोग क्या ले, अगर इसका हम लोग 100 ml लें, ठीक है, इसका 100 ml लेंगे तो, या फिर आप इसका 50, इसको अगर 100 ml ले रहे हो दो को, तो इसको कितना करना पड़ेगा 50 ml, क्योंकि ये तो दो से एक ही तो है भाई। आप लोग इसके मोल देखो, पहले इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो अगर इसको आपने 100 ml लिया है तब तो इसको क्या ले लोगे 200 ml, और ये कितना बना फिर 200 ml, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर आप 100 लेते हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा 50, फिर इसको क्या लेना पड़ेगा 100, तो इनका जब अनुपात निकालोगे तो इसका क्या होगा 2, क्या मिलेगा इसका अनुपात 2:1:2, और इसका निकालोगे तो वही होगा 2:1:2। बताओ कोई चेंज है क्या, नहीं है ना। वो आपकी इच्छा से आप लोग ले सकते हो, आपकी इच्छा से आपने अगर इसको अगर 50 लिया है तो इसको 50 ले लो, इसको 100 लिया है तो इसको 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन वो लेना कि इनके जो अणु रिएक्शन कर रहे ना उनका आप लोग गड़बड़ मत कर देना, उनका समान होना चाहिए। इसका 100 तो इसको 200 ही करना, ऐसे नहीं इसको 100 ले लिया इसको 50 ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। सब कुछ समझ आया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या किया कि समान ताप दाब पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है, संयोग करती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, और यदि उत्पाद भी गैस हो, उत्पाद भी आपका क्या मिल रहा है गैस है, तो आयतन क्रियाकारी आयत गैसों के जो सरल अनुपात में होंगे तो उनका आयतन भी क्या होगा सरल अनुपात में ही होगा, ठीक है। अब ये नियम समझ में आया, हम लोग इस नियम पे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो ये है, आपको क्वेश्चन मिला है, आपको क्वेश्चन मिला है कि आपने क्या किया, मैथेन को जलाया है, ठीक है। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में है कि अगर 100 ml जो मैथेन है, वो जलाया जाता है, तो प्रयुक्त O2 यानी कि जो यूज में आने वाली O2 है वो, तथा उत्पादित CO2 का आपको वॉल्यूम या आयतन निकालना है, ठीक है ना। उत्पादित CO2 का वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या मिला है मैथेन, अब रिएक्शन करेंगे पहले तो क्या है मैथेन CH4 जलाया जा रहा है, इसका मतलब किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि इसकी किसके साथ अभिक्रिया करेंगे O2 के साथ में, तो क्या बनता है उत्पादित CO2 बनेगा और प्लस में जल और प्लस में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, सॉरी, तो CH4+O2 इसको बैलेंस करो, यहाँ इधर कार्बन एक है इधर कार्बन एक है, कार्बन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो सबसे पहले हम जो मैन एलिमेंट होता है उसको करते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3, इधर हाइड्रोजन है 4 और इधर हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे उसके बाद, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए इसको 2 से क्या कर देंगे गुणा, 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए O2 के देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 तो OA और 2 OA 4 O और इधर के क्या है 2 O, तो हम इसको भी आगे क्या लगा देंगे 2। इस टाइप से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है कि सबसे पहले जो मेन हमारा होता है उसको हम लोग करते हैं, मेन कार्बन है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को किया, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन के नंबर जब सेम होते हैं तो ऑक्सीजन बचता है उसको हम लोग कर लेते हैं। ओके इतना हुआ, इतना होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब इसके आयतन देखते हैं। देखो इसका तो एक ही है
तो इसका तो वन, इसका टू, इसका वन और इसका टू। अब देखो यहाँ पे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, बट ये लिक्विड है। तो हम लोगों ने क्या है, हमारा जो नियम है वो नियम ही किस पे है, गैसेस पे लागू है, तो यहाँ पे नियम फॉलो नहीं होगा, हम लोग H2 को काउंट नहीं करेंगे। तो H2 को इसके अंदर हम लोग नहीं लेंगे। ओके, तो H2 को इसके अंदर नहीं लेना, हमें सिर्फ CH4, 2O2 और CO2 इनको ही लेना है। आया समझ में, है ना, कि हमारा जब प्रोडक्ट गैसियस हो तो ही हम लोग लेंगे, लिक्विड को हम लोग नहीं लेंगे। समझ आ रहा है? ओके, अब देखिए हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, 100 ml ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 200 ml, क्योंकि हमें तो दिया ही है ना 100 ml मेथेन है, 100 ml मेथेन है, तो मेथेन की वैल्यू तो हमें 100 ml ही लेनी पड़ेगी, हम लोग के और कोई पास और कोई चांस नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें 100 ml ही उसको लेना पड़ेगा। आपने 100 ml इसको लिया, 200 ml, अब बताना जरा एक ही तो बन रहा है, तो यानी कि ये क्या मिला, 100 ml, है ना। तो हमें क्या है, प्रयुक्त O2 पूछे है, तो प्रयुक्त O2 का क्या आ जाएगा, 200 ml, और उत्पादित CO2 का क्या आ जाएगा, CO2 का क्या आ जाएगा, 100 ml। ये इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हो, गैलोसिक नियम से उसका आयतन निकाल सकते हो। अगर इनका अनुपात पूछ ले कि जो आपका उत्पाद प्राप्त हुआ है, रिएक्टेंट जो है उनका अनुपात बताओ, तो अनुपात आप कैसे बता सकते हो, 1:2:1, ये इनका क्या आ जाएगा, अनुपात 1:2:1 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया है 60 ml नाइट्रोजन, इसको वैसे लिख दो 60 ml नाइट्रोजन, 60 ml हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया गैस बनाती है, तो जो भी आपके बनते हैं वो आपको सबको उनके आयतन ज्ञात करने हैं, कितना आयतन किसका है और कितना आयतन अनरिएक्टेड है, वो हमें सारा निकालना है, और उसका लास्ट में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, लास्ट में क्या अनुपात उसका आएगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए रिएक्शन करेंगे पहले, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, 60 ml क्या है, नाइट्रोजन है, तो 60, ठीक है। अब पहले तो रिएक्शन करते हैं, क्या है, N2 प्लस हाइड्रोजन, उससे क्या बना, अमोनिया। सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तत्व को, तत्व हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और इधर कितना, 1, तो हम लोग इसको बैलेंस कर दिया। फिर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 4, तो इसके आगे 2 लगा दिया, N2 प्लस 2H2, तो 2NH3, ऐसे करना। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और इधर कितने हैं, यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले 2 है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये देखिए आपने कुछ भी बैलेंस नहीं करा, ये है रिएक्शन आपकी मेन। अब हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, N2 है और 2 N2 के हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, बचा ही हाइड्रोजन ही है, तो देखो कितने हाइड्रोजन इधर, 6, 3 × 2 = 6, तो इधर तो 2 ही है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6। अब देखो हमें क्या दिया है कि नाइट्रोजन कितना लेना है हमें, 60 ml, और हाइड्रोजन का भी हमें कितना दिया है, 60 ml, और ये हमें पूछा है, पता नहीं हमें क्या बनेगा, पूछा है हमें। अब देखो अगर नाइट्रोजन आप 60 ml लेते हो, नाइट्रोजन 1:1 में है, तो ये तो 3 में है ना, तो अगर नाइट्रोजन 60 ml लेते हो तो हाइड्रोजन कितने चाहिए आपको, 180 ml चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा है इसका 1 mole, तो इसके 3 mole हमें, 3 ml मतलब से 3 गुना हमें आयतन चाहिएगा, तो आपको इसका 60 है, तो इसका तो 60 हो ही नहीं सकता, यानी कि इतना तो हमें क्या नहीं है, इसका देखो 60, अगर इसका 60 ml लेते हैं तो इसका हमें कितना चाहिएगा, 180 ml, जो कि जो उपलब्ध नहीं है,
लेते हैं, इसका 60 ml ले लेंगे तो इसका एक गुना, ये 3 गुना है इसका एक गुना, तो 60 का जब इससे 60 में 3 का भाग दोगे तो क्या निकलेगा 20, तो ये इसका एक गुना निकल जाएगा, तो 20 ml हमें क्या चाहिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या चाहिएगा 20 ml, उससे बन क्या रहा है 2 गुना, तो एक गुना तो 20 है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 40, तो क्या बन जाएगा आपका 40 ml अमोनिया। समझ आया क्या? हमने क्या किया, जो हमारे पास में अवेलेबल था हाइड्रोजन 60 ml, उसको हमने पूरा मान लिया 3 गुना, ठीक है। अब 60 तो 3 गुना है, लेकिन हमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो एक गुना ही चाहिए ना, उसका एक पार्टी, तो 60 का एक पार्ट क्या हो जाएगा 20, और जो प्रोडक्ट बना है अमोनिया बना है वो 2 गुना बन रहा है, यानी 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा 40, ठीक है ना, 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा 40। 60 का जब 1/3 पार्ट करोगे आप, 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा 60 का 1/3 20, और 60 का 1/3 जब वो करोगे 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा 20, और 20 को 2 गुना करोगे तो 40। इतना समझ में आया ना आपको? तो क्या हुआ, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे कि जो आपका 20 ml नाइट्रोजन चाहिए होता है, 60 ml हाइड्रोजन, और 40 ml उसके बाद में क्या बनता है आपकी अमोनिया, 40 ml उसके बाद क्या बनती है अमोनिया। अनुपात पूछ ले तो देखो, अनुपात में 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 1/3 / 2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। और देखो और चीज, एक चीज और आप बता सकते हो कि यहाँ पे अमोनिया कितनी बनी है, 40 ml क्या बनी है आपकी अमोनिया बनी है, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 20 ml ही क्या हुआ है यूज में आया है, बाकी 40 ml जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 40 ml नाइट्रोजन अनरिएक्टेड है, यानी कि अभिक्रिया नहीं की उसने, 40 ml नाइट्रोजन ने अभिक्रिया नहीं करी है, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, गैलुसेक का नियम। होता क्या है नियम, कि जब भी समान ताप दाब पर गैसें आपस में अभिक्रिया करेंगी तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, यदि उत्पाद भी गैस होगा तो उनके आयतन भी और जो क्रियाकारी जो गैस अपना उसके आयतन भी क्या होंगे, सरल अनुपात के अंदर होंगे, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन गैस ने रिएक्शन करी थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ने रिएक्शन करी थी, इसी प्रकार से मैथेन गैस ने करी थी, मैथेन ने ऑटो से रिएक्शन करके CO2 बनाया था, और ये नाइट्रोजन का हो गया, फिर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ करके अमोनिया बनाई है, ठीक है। तो इनके सभी के अनुपात अगर देखे तो सरल अनुपात में आते हैं, और याद रखना यहाँ पे ये सिर्फ नियम गैसेस के लिए लागू है, तो सिर्फ गैसीय के लिए ही हमें क्या करना है, इसको यूज में लेना है, बाकी अगर आप दूसरा चीज के यूज में आप लोग इसको नहीं लोगे। तो ये हमारे 4 या 5 नियम कंप्लीट होते हैं, जिसमें प्रथम नियम था अपना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान क्या हो सकता है, जितना रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा उतना का उतना हमारा प्रोडक्ट का द्रव्यमान बन जाएगा, ये नियम हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद था स्थिर अनुपात का नियम, वो नियम क्या कहता है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स, जो भी हमारे उनके अंदर जो यौगिक क्रिया करते हैं, उन यौगिकों में जो उनके अणु जो तत्व है, उन तत्वों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि जो तत्व का अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, उन तत्वों का भार हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उन तत्वों का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद क्या था, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम में क्या था कि जब दो हमारे अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और या दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक का द्रव्यमान क्या होता है निश्चित, एक का द्रव्यमान तो निश्चित होता है, तथा दूसरे का द्रव्यमान क्या होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या निकलता है आपका, स्थिर निकलता है। तीसरा नियम हुआ। तो चौथा जो नियम था वो तुल्य अनुपात का नियम, उसके अनुसार क्या था कि जब दो तत्व भिन्न भिन्न रूप से किसी तीसरे तत्व के साथ में अभिक्रिया करते हैं, दो तत्व भिन्न भिन्न रूप से जब किसी तीसरे तत्व के साथ क्रिया करते हैं, तो उनका जो अनुपात, उनमें एक तो क्या मिलेगा स्थिर, किसी तीसरे के साथ स्थिर के साथ ही तो कर रहे थे ना, तो
एक का तो क्या बनेगा स्थिर, तो बाकी जो उनका अस्थिर था उनका अनुपात, और जो वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं उनका अनुपात, वो क्या होंगे, एक सरल अनुपात में हमें प्राप्त होंगे या फिर समान भी प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो नियम होता है वो होता है गैलुसेक का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब दो जो हमारी गैसेस होती हैं वो आपस में क्रिया करती है समान ताप दाब पर, तो उनका जो आयतन का अनुपात होता है वो या क्या होता है स्थिर या सरल अनुपात में होता है। इनकेस अगर वो गैसेस अगर प्रोडक्ट भी गैस बनता है, अगर प्रोडक्ट भी हमारा गैस ही बन रहा है तो प्रोडक्ट भी गैस बनेगा, तो उसका भी अनुपात जो होगा वो क्या बनेगा, स्थिर अनुपात में बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, गैलुसेक का नियम। इस प्रकार से जो रासायनिक संयोग के नियम थे वो टोटल कितने हो गए, पांच। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम और गैलुसेक का नियम। उसके बाद अपनी आती है अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो परिकल्पना थी वो भी अवोगाद्रो ने दी थी, और ये परिकल्पना भी गैसेस पर ही लागू होती है, गैसेस पे लागू होती है मोस्टली। इसने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया अवोगाद्रो परिकल्पना में कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी समान ताप और दाब रखते हैं और जितने भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी उनको सेम रखते हैं, जितनी भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी भौतिक गुण है उनको समान रखते हैं यानी समान दाब ताप उन पर, जब दो अलग अलग गैसेस के अंदर पाए जाने वाले जो अणु होंगे वो क्या मिलेंगे, हमें समान मिलेंगे। यानी कि जब किसी भी गैसेस के दाब तथा समान ताप और आयतन पर, ताप दाब पर, समान ताप व दाब पर जो हमारी दो अलग अलग गैसें हैं उनका उनके निश्चित आयतन के अंदर जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या मिलेगी, हमें समान मिलेगी। ठीक है, अब ये अवोगाद्रो देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ अवोगाद्रो परिकल्पना है क्या। अवोगाद्रो परिकल्पना कब लागू होती है, जब ताप और दाब क्या होता है, समान होता है, यानी भौतिक जो उनके जो प्रॉपर्टी है वो समान होगी। तो समान ताप व दाब पर कांस्टेंट होते हैं उनकी सभी जो फिजिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होंगी, कांस्टेंट। तो समान ताप व दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या समान होगी, समान होगी। देखो कैसे, मान लो हमने क्या किया, सपोज करो अभी ये तो आपको समझ आ गया, कितना आया मुझे नहीं पता, अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ तब आपको समझ आएगा। मान लो हमने क्या किया, एक वेसल लिया, एक कंटेनर लिया, ये हमारा ठीक है, इसके अंदर ये इसकी कैपेसिटी है कि ये 100 ml आयतन को अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है, 100 ml आयतन को अपने अंदर रख सकता है। हमने इसके अंदर क्या भरी, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भरा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भरा है, है ना। उसी का हम लोगों ने क्या किया कि मान लो इसके अंदर जो ये 100 ml, तो इसका क्या हो गया आयतन, और इसके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो क्या हो गई, x, ठीक है ना। अणुओं की संख्या हम लोगों ने क्या मान ली, सपोज x मान ली,
फिर इसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, दूसरा एक कंटेनर ले रहे हैं, वही सेम, यही सेम ले रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या भरा, वही समान ताप दाब पर रख रहे, सेम टेम्परेचर उसी प्रेशर पे हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी 100 ml का ही है, वही है इसके अंदर, लेकिन अभी ऑक्सीजन गैस को हम लोग डाल रहे हैं। तो आयतन तो इसका भी क्या हो गया, 100 ml ही हो गया ना, क्योंकि इस वेसल के अंदर आई 100 ml सकता है, गैस का आयतन तो उसके अनुसार ही होगा जो बर्तन है, तो इसके अंदर तो 100 ml गैस ही भरी जा सकती है, ठीक है ना। तो O2 गैस हमने भरी, तो O2 गैस में भी जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर इसके अंदर कितने अणु है, वो अणुओं की संख्या कितनी होगी, जितने अणु यहाँ पे है यानी कि x, जितने अणु यहाँ पे यानी कि x। सपोज करो एक और हमने क्या किया लिया, यहाँ पे भी 100 ml है इसका, और यहाँ पे मैंने भर दी अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस में अणुओं की संख्या यहाँ पर भी अमोनिया गैस में भी अणुओं की संख्या कितनी होगी, जितनी की इनमें है यानी कि x, यानी कि समान ताप और दाब पर, समान ताप दाब पर सभी गैसों में निश्चित आयतन में, यानी निश्चित आयतन आपको स्वयं ही रखना है ना, आयतन आपको स्वयं ही रखना है, 100 ml जब आयतन है मतलब निश्चित आयतन रख रहे हैं, तो अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। अगर हम सपोज करो आयतन इसका कम कर देते हैं, सपोज मैंने ये बोल दिया कि समान ताप दाब पर है 100 ml, तो आपकी क्या है O2, 100 ml आपकी क्या है अमोनिया, तो 50 ml हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या बताओ, ये मैंने आपको क्वेश्चन किया। तो क्या करोगे आप, मान लो मैंने इसको बताया इसके अंदर x है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, x ही होंगे, ठीक है ना, इसके अंदर x है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, x ही होंगे। अब मैंने पूछे उसी ताप और दाब पर 50 ml में हाइड्रोजन की संख्या, तो अभी देखो आयतन आधा हो गया, तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि क्या हो जाएगा, x by 2। और अगर मैं 200 ml में पूछ लेती, 200 ml में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या, तो क्या हो जाती, 2 × x, यानी 2 गुना, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या बोल सकते हो, इस नियम के अनुसार क्या होती है कि जो आयतन जो होता है समान ताप दाब पर जो आयतन है वो समानुपाती क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या की, अणुओं या परमाणुओं की संख्या की जो उसके अंदर उपस्थित है, ठीक है। परमाणु लिख देना, अणु तो बड़ा हो जाता है, परमाणु लिख देना आप लोग, ठीक है ना, ये परमाणु कर लेना इनको सब जगह। परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके समान, अणु बड़ा हो जाता है परमाणु से मिलके बना होता है, अणु भी लिख सकते हो बट लो, पर परमाणु ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, और बाकी आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना, समझ आया। क्या लिखना है कि समान ताप दाब पर जितने भी भौतिक गुणधर्म वगैरह सभी गैसों में है, तो आयतन निश्चित आयतन में परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, देख लेना, फिर से इस नियम को थोड़ा सा बता देंगे और इसके क्या अनुप्रयोग है वो सारे बता देंगे, आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। इतने आप अच्छे से नियम को पढ़िए, ये परिकल्पना पढ़िए, ठीक है, और अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ओके बाय।